स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि उन्हें कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला आप एक क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट परसेंट जो है वो CP के बराबर है। ठीक है, संख्यात्मक मान के बराबर है। तो वस्तु के क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए, वस्तु के क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 144, आपको इसमें CP निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ। आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है वो है 144 रुपीज। ठीक है, और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू CP। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बेसिक मेथड जो है वो तो ये है आपका SP - CP / CP × 100। ठीक है, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट नहीं पता और CP नहीं पता, और यहाँ क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट और CP दोनों बराबर हैं। तो क्या ना मैं इसको CP को, कॉस्ट प्राइस को X मान के चलते हैं। ठीक है, जब इसे X मान के चलेंगे तो देखिए प्रॉफिट परसेंट भी एक्स हो गया, एक्स इक्वल्स टू SP कितना है 144 माइनस CP कितना है एक्स अपॉन CP कितना है एक्स इंटू 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स इंटू 100, या फिर आप इसे पहले ही लिख दें ऐसा 144 माइनस 100x। ठीक है, साइड चेंज कर दीजिए, प्लस 100x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इसके फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास इसकी x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस 180 और एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 80। ठीक है, x अपन ने क्या मान के चला था, CP। ठीक है, और आपको पता है कभी भी कॉस्ट प्राइस नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक की तरफ से हेल्प किया। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उसके फैक्टर्स निकाल के। फिर हमने देखा है माइनस में जो है वो CP नहीं होता है, तो CP क्या हो गया आपका 80। तो ये 80 आपका आंसर हो गया। थोड़ा देखिए, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं तो वो आप देखिए। सेम यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वापस, SP जो है आपका 144 रुपीज है, प्रॉफिट परसेंट जो है आपका CP के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको आमतौर पर क्या करना है, आपको 144 को लेना है, इसको ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनके मल्टीप्लिकेशन पे 144 आए और उन दोनों नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस हो। जैसे देखो 144 नंबर कब कब बनता है, 12 × 12, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या 10 का डिफरेंस है, नहीं है। 144 कब बनता है, 16 × 9, क्या इनमें 10 का डिफरेंस है, नहीं है। ठीक है, तो बताओ 10 का डिफरेंस कहां पे आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा 18 × 8 पे। देखो 8 + 10 18, और 18 × 8 इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो हमें दो ऐसे फैक्टर मिल गए जिनके बीच में 10 का डिफरेंस है और मल्टीप्लीकेशन करने पे 144 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो यही करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तब आप हमेशा छोटा वाला नंबर उठाएंगे, हमेशा आप छोटा वाला नंबर उठाएंगे और उसके आगे जीरो लगा देंगे, तो वो आपका आ जाएगा CP। समझे बात को, आसान है, बहुत ही आसान है। 144 को स्प्लिट किया, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की जा रही है तो आप छोटे वाले नंबर को उठा के आगे जीरो लगा देंगे और वो आ गया आपका CP। अगर यहाँ प्रॉफिट ना होके यहाँ लॉस परसेंट होता
तो आप क्या करते, बड़े वाले नंबर को उठा के उसके आगे जीरो लगा देते, ये आपका आंसर हो जाता। आसान है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, अगर आप इस चीज को फॉलो करके कर रहे हैं, एक तो आपका टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी एक सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है और यदि उसका विक्रय मूल्य 39 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है? 39। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी। 39 नंबर को कुछ ऐसा में स्प्लिट कीजिए, कुछ ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कीजिए कि दोनों में डिफरेंस तो हो 10 का और मल्टीप्लाई करने पे 39 आए। बताइए ऐसे दो नंबर, और वो है 13 और 3। क्या सही है? अब देखिए हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप छोटे नंबर को उठाएंगे और उसके आगे आप जीरो लगाएंगे, तो ये कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट सीपी। ठीक है, यदि यहाँ पे प्रॉफिट की बात न होके अगर लॉस परसेंट की बात होती तो आप क्या करते? बड़े वाले नंबर को उठा के उसके आगे जीरो लगाते, तो ये आ जाता आपका सीपी। समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक 4,560 में बेचता है। पहले वाले में वो क्या करता है, 20% उसको लाभ होता है और दूसरे वाले में उसको 30% की हानि में बेचता है, 30% की उसे हानि होती है। तो कुल सौदे में कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई? ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है, ये तो आपकी एसपी हो गई, ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम वो तरीका देखेंगे जो सभी लगाते हैं, फिर हम हमारी ट्रिक बता इसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। सेलिंग प्राइस थी आपकी 4,560 और प्रॉफिट था आपका 20%, और इस तरफ सेलिंग प्राइस सेम 4,560 और लॉस था आपका 30%। ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सभी बच्चे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अपॉन इसको हम दो में स्प्लिट करेंगे, 100 एंड 120। देखिए प्रॉफिट में हमेशा छोटा नंबर अपन लेते हैं, तो 100 अपॉन 120। फिर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सीपी आएगा। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करेंगे, सीपी इक्वल्स टू 4,560 इंटू, इसको आप दो नंबर में स्प्लिट करिए, 100 एंड 70। लॉस में हमेशा बड़ा नंबर आता है, तो इंटू 100 अपॉन 70। फिर वापस आप इसको सीपी निकालने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे किया जा सकता है, देखिए 20%, 20% आपका क्या था? प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, और आपके पास एसपी है 4,560। ठीक है, लॉस, लॉस कितना था? 30%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज ध्यान देंगे, जो न्यूमरेटर है ये तो है आपका प्रॉफिट, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका है सीपी, और यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है ये है आपका लॉस, और जो 10 है ये है आपका सीपी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी से एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे होगा आपका बीच में प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और लास्ट में होगा फाइनल एसपी। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 5, और इसी में आपका प्रॉफिट कितना है? प्लस का 1, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, लॉस होगा तो हम माइनस लेंगे। फाइनल आपकी जो एसपी है वो कितनी निकली है यहाँ पे? 6, दोनों को ऐड करेंगे 6। सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में आपकी सीपी कितनी है? 10, और आपका उसमें लॉस हुआ है कितना है उसमें लॉस? 10 -3 = -7। ठीक है, ये आ गया आपका -7, सॉरी -3 आएगा यहाँ पे। ओके, -3
माइनस थ्री आपका लॉस हो गया, लास्ट आपकी फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी बैठेगी इसमें 7, 10 माइनस थ्री इक्वल्स टू 7, ये आपकी लास्ट सेलिंग प्राइस बैठेगी क्योंकि वो लॉस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका एसपी है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 6 है और यहाँ 7 है, तो दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये सेम कब होगा, जब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 6 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, 7 1 7 प्लस का 7 और 7 6 42। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है 7 6 42, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है माइनस का 18 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है माइनस का सॉरी प्लस का 60, ठीक है। इसे ऐड करिए 60 प्लस 35 95, इसे करेंगे माइनस 11 और इसे करेंगे ये हो गया 84। तो फाइनल एसपी आ गई आपकी 84, सीपी है 95 और लॉस है, ये माइनस का आ रहा है इसका मतलब लॉस है, ठीक है। लॉस है कितना, माइनस 11 कितने पे है, सीपी पे है, 95 पे है, इनटू लॉस परसेंट निकालना है इनटू 100। समझ में आया कितना आसान है, इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.57%, ठीक है। तो ये आ गया आपका लॉस परसेंट, देखा कितनी जल्दी ये जो है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं लगता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है। तो आज हमने प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस की 2-3 ट्रिक्स देखी हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय श्री राम। डेट पहला से भाई 1:30 बजे तक, दूसरा से 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां, लवली सिंगिंग फॉर दैट। मेरे कपड़ा उस पानी में डाल दिया, जबरदस्त उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या गुजरा और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद प्रार्थना पत्र में जवान है विनोद जी चौहान का भी, ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।